जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नहीं थक रहे हैं, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवालिया निशान लगने लगे हैं। ताजा मामला बरेली का है, जहां दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण कर लिया गया। कमाल की बात देखिए, सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ चार दिनों से खाली है, वो अब तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दरअसल बारादरी थाना क्षेत्र में एक छात्रा अपने भाई के साथ बाइक पर कॉलेज से घर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने बाइक रोककर बाइक की चाबी निकाल ली और छात्रा को जबरन अपने साथ घसीट कर ले गए, जिसके बाद बदमाशों ने दूसरी बाइक पर छात्रा को बिठाया और अपहरण कर गायब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन हैरानी की बात देखिए, अपहरण को चार दिन बीत चुके हैं लेकिन पुलिस छात्रा की तलाश नहीं कर पाई है। बरादरी में मुकदमा 366 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज है। इस पूरे प्रकरण में ये बताना है कि जिस लड़के के साथ, दो लड़कों के साथ वो जाती है, उसका उससे 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस लड़के के साथ वो भागकर चली गई है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज है। लड़की और उसके जो अन्य दो साथी जिनके साथ वो गई है, उनको बरामद करने का प्रयास चल रहा है और जल्दी उनको बरामद कराकर उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। वहीं परिवार वालों ने भी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ डेस्क।